आखिर ऐसा तो क्या है कि जिसके अंदर एवीजीसी को गवर्नमेंट आज प्रमोट कर रही है और साथ ही साथ एवीजीसी इस फील्ड को प्रमोट करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को रेडी करने वाली है। हाँ दोस्तों, एवीजीसी क्या है, उसमें कैसे काम होता है, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, पिछले 10 साल के अंदर फील्ड का स्कोप होना चाहिए, वो स्कोप क्या है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहूंगा कि आपके लिए एक जोरदार अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक। और हाँ, तो अभी तक आपने संजू डिजाइनर फैक्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे दमदार कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एवीजीसी है क्या। आपके मन में प्रश्न तो हो रहा होगा कि यह कब से बोले जा रहा है भाई कि एवीजीसी, लेकिन है क्या। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एवीजीसी मतलब क्या। अगर बात करें ए तो ए फॉर एनिमेशन, अगर बात करें वी, वी फॉर विजुअल इफेक्ट, अगर बात करें जी, जी फॉर गेमिंग, और बात करें सी तो सी फॉर कॉमिक। हाँ दोस्तों, इन चार फील्ड का मिश्रण है जिसको हम बोलते हैं एवीजीसी, जिसने फील्ड को गवर्नमेंट ने 2022 के बजट के अंदर अवतरण दिया है। चलिए दोस्तों, इन सारी फील्ड को अब हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए फॉर एनिमेशन की। दोस्तों एनिमेशन के बारे में अब तक आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे संजू डिजाइनर फैक्ट्री के चैनल के अंदर एनिमेशन में करियर स्कोप क्या है, कैसे काम किया जाता है, उसके बारे में फुल डिटेल में वीडियो भी है। और यहाँ पे अभी आई बटन पे आपको जो फ्रेम दिख रही है वहां पे आप क्लिक करके ये वीडियो पूरा आप देख भी सकते हो। दोस्तों आपको मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि एनिमेशन क्या है। जनरली आप जो 3D कार्टून मूवी देखते हो या फिर आप जनरली कोई मूवी में ऐसे पिक्चर को देखते हो कि जो वास्तविक में पॉसिबल नहीं है, उसको हमें बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को एनिमेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। दोस्तों ये हो गई एनिमेशन की बात, और मूवी तो सही लेकिन आज लोग इंडस्ट्री के अंदर, आज एडवर्टाइज के अंदर भी लोग एनिमेशन का यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सेकेंड ऑप्शन VFX मतलब कि विजुअल इफेक्ट, दोस्तों आप जनरली, मुझे पता है तब तक आप सभी लोग मूवी देखने के बहुत शौकीन हो गए। हाँ, और मूवी तो देखते होंगे लेकिन आप स्पेशल मार्वेल और डीसी के मूवी, और अगर मैं इंडियन मूवी की बात करूँ तो बाहुबली, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है पुष्पा का, तो इन सारी मूवी आप देख रहे होंगे। बाद में हमने रोबोट मूवी भी देखी होगी। तो ये जो सारी मूवी बन रही है वो पूरी विजुअल इफेक्ट से बनी हुई होती है, मतलब कि उसमें रियल जो इमेज होनी चाहिए वो रियल इमेज मात्र मैं बोल सकता हूँ कि 50-60% ही होता है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स के मदद से तैयार की गई होती है, तो उसको हम लोग विजुअल इफेक्ट बोलते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ जी फॉर गेमिंग। दोस्तों ये चीज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटे से थे तब से आप अलग अलग वॉइसेड जैसे अलग अलग 3D गेम खेलते आ रहे हो, और अभी के मार्केट में ट्रेंड देखे तो PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर गेमिंग्स भी है और मोबाइल गेमिंग्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो गए हैं। दोस्तों ये फील्ड का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि लोगों ने लॉकडाउन के अंदर भी बहुत ही मात्रा में इसका यूज़ किया, मतलब कि लोग फ्री थे तो फ्री बैठे बैठे क्या करते, कई लोगों ने मूवी देखी, कई लोगों ने गेम खेली, कई लोगों ने कॉमिक पढ़ी। तो ये सारी चीजों का उल्लेखन मैं इसीलिए कर रहा हूं कि लॉकडाउन के आने के बाद गवर्नमेंट को ये अवेयरनेस हुई कि इस फील्ड के अंदर भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है। मैं बात करता हूं चौथी फील्ड कॉमिक इंडस्ट्री। दोस्तों इंडिया के अंदर कॉमिक इंडस्ट्री का ट्रेंड सालों से चल रहा है, लेकिन 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 एक ब्रेक पॉइंट वहां पर आ गया था कि उनका ट्रेंड मार्केट में जो बूम होना चाहिए बूम नहीं हो पाया, इसीलिए क्योंकि आज अदर कंट्री मतलब कि मार्वल और डीसी की जो कॉमिक है उसके ऊपर से बहुत जोरदार इनोवेशन उन लोगों ने किया, तो उसके हिसाब से हमारे जो इंडियन कॉमिक्स थी वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री दब गई। लेकिन हाँ दोस्तों, आज धीरे धीरे वो इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही है, इसलिए गवर्नमेंट कॉमिक इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। जैसे मैंने कुछ ही मिनटों पहले बताया आपको कि लॉकडाउन में लोगों ने घर पे बैठे बैठे ये सारे मनोरंजन किए, किसी ने गेम खेले, किसी ने मूवी देखे। तो साथ ही साथ दोस्तों आपने ये बात सोची होगी कि इन लोगों ने गेम खेले, मूवी बनाए, मूवी देखी, तो उनको बनाने वाला तो कोई होगा कि जो लगातार काम कर रहा है। हाँ दोस्तों, इसी विचारधारणा में इंडियन गवर्नमेंट ने यह देखा कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इतनी जोरदार अपॉर्चुनिटी, अगर 20 लाख लोग भी इसके अंदर आ जाए तो भी ये काम खुटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक सर्वे की बात करूं तो पिछले साल के अंदर हमारे इंडिया के नेट ग्रोथ के अंदर 10% से कम का हिस्सा ओनली फॉर एनिमेशन VFX इंडस्ट्री का ही था। ये सोचो मतलब कि पूरे नेटवर्क के अंदर ये दोनों इंडस्ट्री 10% से थोड़ा सा कम हिस्सा इन इंडस्ट्री का था, तो आप सोच सकते हो कि कितनी जोरदार अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होने वाली है।
तो दोस्तों इसके स्कोप के बारे में अगर बात करूं तो स्कोप तो आपने पहले देखा कि पूरे पूरे नेट ग्रोथ के अंदर 10% से कम का हिस्सा इसका है, लेकिन 2030 के अंदर इसकी अपॉर्चुनिटी होने वाली है दोस्तों कितनी हो सकती है, कितनी, मैं कहते गर्व कर रहा हूं कि 55 से लेके $70 बिलियन। हाँ दोस्तों, 55 से लेके $70 बिलियन की अपॉर्चुनिटी उत्पन्न होने वाली है इंडिया में, ओनली फॉर इंडिया में। वर्ल्ड वाइड स्कोप कितना है आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों इसकी सबसे खास बात आपको मैं बताता हूं कि ये जो सारी फील्ड है वो वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर इंडिया में ही काम होता है, ओनली फॉर कनाडा में ही काम होता है, ओनली फॉर यूएसए में ही काम होता है, नहीं, ऐसी संभव नहीं है। जैसे कि आज इंडिया के मार्केट में इतना बड़ा मार्केट बूम होने का यही कारण है कि आज आउट कंट्री से बहुत सारा आउटसोर्सिंग से काम इंडिया में आ रहा है और इंडिया में काम लोग कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं जॉब अपॉर्चुनिटी की। हाँ दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, आज जनरली एनिमेशन बनाने के लिए बहुत सारा मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हमें कोई एक मूवी भी बनानी है तो उसके लिए मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 हजार लोगों का टीम चाहिए कि जो एनिमेशन मूवी के अंदर वर्कआउट कर सके, तो हम लोग कम टाइम के अंदर हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम लोग ला सकते हैं। तो दोस्तों आप सोचो कि एक मूवी बनाने के लिए इतने सोर्स की जरूरत होती है, तो हमें मल्टीपल मूवी बनानी है और इस इंडस्ट्री को ग्रोथ करवाना है, तो आप सोचो कि कितना जोरदार मैन पावर की रिक्वायरमेंट यही रहेगी। हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी एक वहां पर भी खुल रही है कि आज फेसबुक ने उनका नाम चेंज करके मेटावर्स कर दिया। हाँ दोस्तों, फेसबुक ने उनका नाम चेंज करके मेटा कर दिया और जो वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है मेटावर्स। तो वहां पे भी 3D एनिमेशन और VFX का जो स्कोप है मतलब अनबिलीवेबल दोस्तों, उसके ऊपर ही पूरा वर्ल्ड जाने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपको यहां पे आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप सबसे ज्यादा इनकम कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, आपके पास एक अच्छा सा कंप्यूटर चाहिए होगा और आपके पास अच्छी सी स्किल होनी चाहिए होगी कि आप इस फील्ड के अंदर आप काम कर सको। तो सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो अपना काम, बाद में धीरे धीरे आपकी क्लाइंट बढ़ाते जाइए और धीरे धीरे आपके आप कंप्यूटर पे बढ़ाते जाइए और साथ ही साथ आपका बड़ा सा एक स्टूडियो कर सकते हैं और आप अपना मार्केट ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये थी जॉब अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात। तो दोस्तों अभी मैं बात करता हूं लास्ट टॉपिक पर, लास्ट बट नॉट लीस्ट। दोस्तों गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को प्रमोट किया, AVGC को प्रमोट किया, टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया, IT सेक्टर को प्रमोट किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल स्किल इंडिया को प्रमोट किया है। हाँ दोस्तों, स्किल इंडिया के तहत इन सारी इंडस्ट्री को धीरे धीरे वो एजुकेट करेंगे और एजुकेट करने के बाद आज वो मार्केट में लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी दिलवाएंगे। और साथ ही साथ हमारे लिए दूसरा एडवांटेज वो है कि आज गवर्नमेंट ने 2 साल लॉकडाउन के बाद ये सोचा, इंडिया की हिस्ट्री में सबसे पहली बार ये सोचा कि हम लोगों को घर पे बैठे बैठे ही सिखा सकते हैं, घर पे बैठे बैठे ही काम दे सकते हैं। क्योंकि आज IT इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री ने पूरा जो ये जो माहौल था वो माहौल उत्पन्न किया कि आज कई जगह पे आपको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास घर पे अच्छा सा कंप्यूटर है, अच्छा सा इंटरनेट है, तो आप घर पे बैठे बैठे ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल जाती है और आप घर पे बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी स्पेशल प्रमोट किया है स्किल इंडिया को और डिजिटल इंडिया को, जिसके तहत आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसीलिए हम लोगों ने संजू डिजाइनर फैक्ट्री के अंदर ये सोचा, हम पिछले 13 सालों से सूरत के अंदर हम लोग ये सभी चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि नहीं आप वो कर सकते हो, आप भी डिजिटल जा सकते हो, लोगों को घर पे बैठे सिखा सकते हो, लोगों को घर पे बैठे बैठे ही काम दे सकते हो, तब से हम लोगों ने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चालू किया और ऑनलाइन सिखाना भी चालू किया। दोस्तों आपको जानना है, और भी क्वेरी है आपको एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक इंडस्ट्री के बारे में, आपको ये जानना है कि कैसे इसके अंदर हम लोग जॉब करें, कैसे हम लोग सीखे, तो उसके बारे में हम आपको गाइडेंस देंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। आप ये जो नंबर है 9723994411, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए और जैसे आप कांटेक्ट करेंगे तो हमारे जो प्रतिनिधि है वो आपसे बात करेंगे, हमारे जो काउंसिलर है वो आपको पहले पूरा समझेंगे कि आपके अंदर कौन सी स्किल है, उसके हिसाब से हम लोग आपको गाइड करेंगे और आपको आपके करियर में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ऑलवेज हेल्पफुल है। दोस्तों मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि हमने सारी इंडस्ट्री के बारे में वीडियो रखे है, जैकार्ड इंडस्ट्री, डिजिटल प्रिंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर की वीडियो देख रखे हैं हमारे YouTube चैनल के अंदर, और ये सब कुछ वीडियो देख के आज कहीं लोगों ने अपना करियर बनाया है। तो धन्यवाद, आप हम पर भरोसा ऑलवेज रखते हैं। और हाँ, मैं ये मानता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले बार कुछ नए तड़कते फड़कते कंटेंट के साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए शुक्रिया।